002। नमस्कार, मैं खेम सिंह बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं एक ट्यूटोरियल के साथ आप सभी के बीच आया हूँ। और बताइएगा सबसे पहले आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि सभी बढ़िया हों। तो चलिए, आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसका नाम है वोकल रिमूवर। साथियों, वोकल रिमूवर के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो इतना ज़रूर पता है कि वोकल रिमूवर होता क्या है। तो वोकल और रिमूवर, यानी कि आप इसी से ही समझ गए होंगे कि इसका सीधा सा हिंदी में मतलब क्या है। तो ज़्यादा समय ना बढ़ाते हुए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल के सदस्य ज़रूर बने। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद करें, ना पसंद करते हैं तो कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं कि क्या इसमें कमी थी और क्या इसमें करने को ज़रूरी था या क्या इसमें होना चाहिए। तो अभी मेरे YouTube चैनल पर 214 के आसपास 15 की सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ रहे हैं, 214 के आसपास, क्योंकि अब आप सभी को पता ही है YouTube ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बाकी सबके साथ ये काम कर रहा है। अब किसी के 2 सब्सक्राइबर कम हो रहे, किसी के 3, अब हो सकता है कि कईयों ने सब्सक्राइब करके भी अनसब्सक्राइब कर दिया हो, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के अनसब्सक्राइब करने से वॉच टाइम नहीं घटेगा, बल्कि सब्सक्राइबर्स भले ही आपके घट जाएं पर वॉच टाइम आपका कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो आपने वैसे ही कलेक्ट कर रखा है। तो चलिए, बिना किसी देर के वीडियो शुरुआत करते हैं। अभी मैं उस ऐप पे जाता हूँ, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं वोकल रिमूवर, और मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। वाई म्यूजिक वॉल्यूम बूस्टर गुड ऐप डब्ल्यू वलाको वोकलाइजर वोकल रिमूवर। वोकल रिमूवर पे मैं जा रहा हूँ। वोकल रिमूवर सेव सक्रिय। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ गाने लोड होने शुरू हो जाएंगे। बाकी दूसरे फ़ोन में क्या होगा ये तो खैर मुझे मालूम नहीं है, ये आप अपने फ़ोन में चलाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर का। अगर प्ले स्टोर से हट भी जाएँ तो ड्राइव का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑडियो लैब और इस 1000 ऐप पे आपको जो भी अंतर है वो साफ समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐप कैसा काम करता है, और ऑडियो लैब का जो कराओके ऑफलाइन कराओके इफेक्ट वाला फीचर है वो कैसे काम करता है और ये कैसे काम करता है। लेकिन इसमें वैसे वोकल्स रिमूव नहीं होंगे जैसे कि दूसरी साइट जिसमें कंप्लीट वोकल रिमूव होते हैं और बीट कुछ और हमें सुनाई देती है। और पिछली वीडियो में आपको सुनाया था मैंने कि हम कंप्लीट वोकल रिमूव कैसे कर सकते हैं किसी भी गाने से, चाहे पहाड़ी फिल्मी या जो भी है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वो चीज़ सुनाने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपके सेंटर में आने वाले वोकल्स ही रिमूव होंगे, बाकी जो दोनों तरफ आपको सुनाई देते वो नहीं हटेगा, यानी कि जो कोरस होता है दोनों तरफ वो नहीं हटेगा। तो अभी मैं उस ऐप पे चला गया हूँ, लाइब्रेरी भी मेरे पास लोड होकर आ चुकी है, जो एल्बम आर्टिस्ट एंड सॉन्ग्स की जो लाइब्रेरी है वो सब। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ पहले, तो सबसे पहले हमारे पास है सेव का ऑप्शन, ठीक है। तो सेव के बाद इसे तब हम यूज़ कर सकते हैं जब आपके इसमें कोई सॉन्ग चल रहा हो। अभी मेरे इसमें सेव नहीं होगा तो वोकल रिमूवर नो सॉन्ग सिलेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नो सॉन्ग सिलेक्टेड ये बताएगा। ओके, तो कोई गाना इसमें वोकल रिमूवर कोई गाना अभी तक मैंने इसमें नहीं चुना है। ज्यादा विकल्प बस इसके बाद हमारे पास रहता है ऑप्शन मोर ऑप्शन का, जिसको कई लोग 3 डॉट्स भी कहते हैं। लेकिन अगर आप सभी को कहूँ तो ये हमारा मोर ऑप्शन वाला आइकन है जिसे हम ज़्यादा विकल्प
भी कहेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ पॉपअप विंडो ब्राउज 3। तो तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला है ब्राउज, यहाँ से आप अपनी कोई भी फाइल चुन सकते हैं जो भी आपके सिस्टम स्टोरेज में है। सेटिंग्स 3 में से 2, चाहे एसडी कार्ड है चाहे कहीं भी। और ये सेटिंग का है। और इसके बाद अबाउट, अबाउट का है। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स हम सेटिंग्स लेते हैं। जो सेटिंग्स में क्या क्या है इसके वो देख लेते हैं। सेटिंग्स सेविंग अक्षर। तो सेटिंग के बाद है हमारे पास कुछ ऑप्शंस आगे। तो सेटिंग्स सेविंग अक्षम, पहला है सेविंग। तो सेविंग पे कुछ नहीं है बल्कि ये एक हेडिंग है, इनकोडर बिट्रेट 96.7 मिस। तो इनकोडर बिट्रेट यानी कि जो ऑडियो की बिट्रेट है वो आप कितनी रखना चाहते हैं, 96 रखना चाहते हैं, 128 रखना चाहते हैं, या जो भी है। मैं अभी बताता हूँ कौन कौन सी है। इनकोडर चेक किया गया 96.6 में से 96 है, 128 160 192 256 320 रद्द करें। तो इतनी बिट्रेट्स हमारे पास मतलब इस ऐप में अवेलेबल है जो आप अपने ऑडियो क्वालिटी के लिए सेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि 128 से ऊपर चाहे जितनी भी बिटरेट्स आती है उससे आपके सॉन्ग की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे हो सकते हैं जो 128 के बी पी एस वाली जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी अजीब सी क्वालिटी दे सकते हैं। लेकिन अगर असलियत में बताऊँ तो 128 के बी पी एस वाली जो बिटरेट है उसमें उससे ऊपर की जितनी भी ऑडियो है कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 128 से नीचे की जितनी भी बिटरेट्स है, जैसे 96 है, 112, उसमें भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 96 से नीचे 85, 84, 64 या 48 या जो भी बिटरेट्स है उसमें आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। या फिर 32 के आसपास की जो बिटरेट्स है, बट इसमें वे उपलब्ध नहीं है। तो इसके आगे की बात हम करते हैं। सेटिंग्स इनकोडर प्रोसेसिंग अक्षम 7। तो इसके बाद है हमारे पास प्रोसेसिंग यानी कि जो हेडिंग है प्रोसेस रिमूव वोकल 7। तो इसमें भी कुछ ऑप्शंस है प्रोसेस का। अभी रिमूव वोकल है तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, तीसरा कैंसिल का भी है। प्रोसेस चेक किया गया रिमूव वोकल 2। तो पहला हमारे पास रिमूव वोकल का है वोकल ओनली 2 और दूसरा ऑप्शन है वोकल्स ओनली। रद्द करें। तो ये कैंसिल का है। ये सेटिंग्स प्रोसेस ये हर इसमें है, हर सेटिंग में। अदर्स अक्षम। अदर्स के बाद है ऐप थीम लाइट 7। ऐप थीम आप कौन सी रखना चाहते हैं, लाइट या डार्क, है ना। तो यही दो थीम्स हैं। ऐड सेटिंग ईयू ओनली 7। तो ऐड सेटिंग के बाद है मतलब ऐड सेटिंग में ईयू ओनली है, बट इससे वैसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन अगर इस पे डबल टैप करेंगे तो सीधे आप ऐप के ऐप में पहुंच जाएंगे जहां पर हम पहले थे। वोकल रिमूवर ज्यादा विकल्प बटन। तो अभी मोर ऑप्शंस की बात हो रही थी, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस और हैं। चयनित लाइब्रेरी यानी कि दो सेक्शंस हमारे पास है, एक लाइब्रेरी का और एक प्लेइंग का। लाइब्रेरी सेक्शन में आप गाने वगैरह देख सकते हैं या गाने वगैरह चूज करके अपने जो भी गाने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वोकल रिमूव करने के लिए। और प्लेइंग में आप देख सकते हैं कौन सा गाना चल रहा है। तो अभी मैं प्लेइंग में देखता हूँ क्या चलता है। तो प्लेइंग में अभी देखते हैं क्या क्या है। 0 100 hours 0 0 100 hours prep btn play btn next btn बटन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन हैं। तो मेरे पास पिछला और अगला बटन ये काम नहीं कर रहा है इस समय, आपके पास शायद ये बटन काम कर जाए तो आप इससे पीछे और आगे भी गाने को खिसका सकते हैं। बस इसमें फॉरवर्ड और रिवाइंड का ही है जिसमें आप गाने को कुछ सेकंड पीछे और आगे ले सकते हैं और पॉज प्ले कर सकते हैं। बंद स्विच टॉप। तो ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये वोकल रिमूवर का है। और रिमूव वोकल
इससे आगे रिमूव वोकल लिखा है मैन, और इसके आगे मिन है, यानी कि मिन के बाद एक और लाइन भी हमारा एक स्लाइडर भी हमको मिलता है 50% खोजने, जिसको हमें अपने हिसाब से इधर उधर करना होता है। ये वोकल रिमूवर के लिए होता है, ठीक है। जब हम वोकल रिमूवर वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा, वरना ये डिसेबल आएगा, ठीक है। मैक्स, और इसके बाद हमारे पास सर ऑप्शन रहता है मैक्स का, मैक्सिमम, यानी कि स्लाइडर के आगे मैक्सिमम का है, तो आगे को हम खिसकाएंगे तो मैक्सिमम, पीछे की ओर खिसकाएंगे तो मिनिमम, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आगे एड्स भी दिखाता है ये। तो चलिए अभी हम कोई फाइल चूज करते हैं लाइब्रेरी से, तो हम मुश्किल से फाइल चूज कर पाएंगे क्योंकि समय भी लग सकता है। रूप दिखाएं बटन सक्रिय करने के लिए, ऑडियो खोजें सुविधा। तो चलिए अभी मैं कोई एक ट्रैक चूज करता हूँ वोकल हटाने के लिए, जो भी गाना है उसे हटाने के लिए कोई ट्रैक यूज करता हूँ। स्पेस, अगली भाषा सुविधाओं का मेनू खोलें। जी गो टी टी ए L S F H A J हटाएं J B F H A खोजें सुविधाओं का। K on Rigori Terry Talash Maine Akil Rancha Music Hunters 3.66 MB 25 August Panti Suchi K on Rigori Terry Talash Maine Akil Rancha Music Hunters 3.72 MB 10 सितंबर के ऑन री। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा हमारा जो भी गाना है ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं डबल टैप कर रहा हूँ इस फाइल पर। अभी मैं इसका डेमो सुनाने वाला हूँ वोकल रिमूवर का, कि पहले इसमें क्या स्थिति होगी, फिर बाद में क्या स्थिति होगी, और उसके बाद क्या स्थिति होगी। तो सुनने के लिए आप चाहे आप हेडफोन लगाओ चाहे आप फ़ोन पर ही सुन लो तो भी चल पड़ेगा, क्योंकि मेरे इसमें अभी स्टीरियो रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए हो सकता है, अगर इसमें ऐसा सिस्टम होता भी तो हो सकता है कि स्टीरियो रिकॉर्डिंग भी हो जाती। अभी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा। प्रतिशत खोजने का नियंत्रण 50% खोजने का नियंत्रण 0% खोजने का नियंत्रण 30% खोजने का नियंत्रण 100% खोजने का नियंत्रण 50% खोजने का नियंत्रण चालू तो साथियों पहाड़ी वोकल मैंने इसलिए सुनाया था ताकि आप भी जान सकें कि वाकई क्या इसका वोकल हम रिमूव कर सकते हैं। तो हिंदी के, हो सकता है हिंदी के जो भी गाने हैं उसमें से कुछ लोग ही बिलीव कर पाएँ, तो क्योंकि पहाड़ी जितने भी हिमाचली सॉन्ग्स हैं इनके कराओके ट्रैक हमको मिलते भी नहीं है कहीं भी, जहां मर्जी ढूंढ लो आप कहीं भी नहीं मिलते। थोड़े बहुत मिलते भी हों बट अगर असलियत में बताऊँ तो मिलते नहीं हैं। तो अभी जो मैंने प्रोसेस किया था आप सभी के सामने, तो पहले में मैंने गाना प्ले करके फिर उसके बाद मैं जो वोकल ऑन ऑफ का जो स्विच था वो ऑन किया, फिर ऑन करने के बाद जो स्लाइडर था उसको मैक्स की ओर ले गया था, यानी कि आगे की ओर खिसका दिया था, जिससे वोकल वॉल्यूम वोकल साउंड थोड़ी अलग सी आ रही थी। फिर वापस 50% तक लिया, 50% से 0% तक लिया, 0% से आराम आराम से 5, 10, 15, 20 कुछ इस तरह से
मैं करता गया ताकि आपको वाकई समझ में आता रहे कि आप अपने हिसाब से कितना वोकल उससे रिमूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है ऑफलाइन वोकल रिमूवर का काम। आपके पास चाहे नेट भी ना हो तो भी ये काम करेगा, लेकिन इतना ध्यान ज़रूर रखना होगा कि इससे सिर्फ जो गाने आपके स्टीरियो फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी कि अगर आप आपके इस ऑडियो फाइल में सिंगर की आवाज़ स्टीरियो पर है तो आप इसका वोकल रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टीरियो वाइडनिंग वाली साउंड जो है उसको ये हटा नहीं सकता, बल्कि ये सिर्फ वही आवाज़ हटाएगा जो आपके बीच में चल रही होगी। ठीक है, उसी आवाज़ को आप इससे रिमूव कर सकते हैं, अन्यथा ये वैसा वोकल रिमूवर भी नहीं है जिससे आप स्टीरियो वाइडनिंग यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड की साउंड रिमूव कर सको। तो साथियों, हमारा जो ट्यूटोरियल है आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो लास्ट में इस गाने का डेमो भी दे दूंगा, क्योंकि इसका कराओके मैंने इसी ऐप से क्रिएट किया हुआ है, तो उसको भी आप हेडफोन लगा करके सुनिएगा ताकि आप अच्छे से जान सके कि ये जो गाना है किस तरह से सुनाई दे रहा था उसमें, क्योंकि स्टीरियो वाइडनिंग आपको पूरी सुनाई देगी लेकिन बीच की जो आवाज़ है वो आपको उसमें नहीं आएगी। तो स्टीरियो वाइडनिंग सुनाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टीरियो में होती नहीं है। तो मिलता हूँ मैं फिर किसी खास ट्यूटोरियल के साथ, ताकि आप लोग भी ऐसे ही नई नई जानकारी हमसे प्राप्त करते रहें। तो अगर नए हैं तो हमेशा की तरह मैं कहता ही हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो भले आप पसंद करें, लेकिन अच्छी ना भी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या फिर अबाउट पेज में मेरा नंबर है उस पर भी आप बता सकते हैं, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी khemsingthakur918@gmail.com उस पर भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।